अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं अब्दुल रशीद। आज आपको मैं बताऊंगा कि गाड़ी में ये जो रेडिएटर लगा होता है, इसका रेडिएटर गाड़ी में फिटिंग करने का क्या फ़ायदा है और ये क्यों इंस्टॉल किया जाता है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा, ये रेडिएटर है, ठीक है, मुकम्मल। ये इसकी अपर टैंक है और इसका ये लोअर टैंक है, ठीक है। ये मुकम्मल रेडिएटर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रेडिएटर है। अब ये काम कैसे करता है और इसकी गाड़ी में ज़रूरत क्यों होती है, ये आपको बताते हैं। ये जिस गाड़ी में रेडिएटर लगा हो वो पानी से उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। उस गाड़ी में जो एयर कूलेंट होती है, हवा से ठंडी होती है, या जो इंजन हवा से ठंडा होता है उसमें रेडिएटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एयर कूलेंट होता है, ठीक है, हवा से ठंडा होता है। जिसमें पानी से वाटर जैकेट होती हैं, जिस इंजन में रेडिएटर लगा होता है तो वो पानी से ठंडा होता है, ठीक है। इसका ये अपर पाइप है, ठीक है, और ये लोअर पाइप है पानी वाला, ये देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इससे इस पाइप से जो है ना, ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से पानी जो है इंजन से आता है, इंजन खींचता है रेडिएटर से। वाटर बॉडी आगे लगी होती है, वाटर बॉडी जब घूमती है इंजन के साथ तो यहाँ से पानी इस पाइप से सप करती है, ठीक है। और इससे जो है ना रेडिएटर में वापस आता है इंजन से, हेड से, जो पाइप ऊपर थर्मोस्टेट के साथ लगा होता है, बॉडी के साथ लगा होता है, इससे रेडिएटर में वापस आता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इधर से पानी जो है कि इंजन खींचता है, ठीक है, और इधर से वापस आता है, और ये रेडिएटर में सर्कुलेशन करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। ऊपर से पानी रेडिएटर के अंदर आता है और नीचे से इंजन खींचता है, ठीक है। जब पानी ऊपर से रेडिएटर के अंदर आता है तो यहाँ से ये जो नालियाँ आप देख सकते हैं ये लगी हुई हैं, ठीक है, इनसे पानी नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो गर्म पानी जब इंजन से आता है, ठीक है, ये बात आपको बता दूँ, गर्म पानी जब इंजन से इस पाइप से रेडिएटर में आता है, इंजन से आके, तो इन नालियों के ज़रिए नीचे चला जाता है, ठीक है। नीचे वाले टैंक की जब जाता है तो पीछे फ़ैन लगा होता है, ये देख सकते हैं, ये फ़ैन घूम रहा होता है, ठीक है। ये जब घूमता है तो पीछे एयर फेंकता है, ठीक है। जब आगे से इस साइड से पंखा एयर पीछे खींचता है तो हवा जो है ना इन नालियों से, इनसे, ये जो फैन लगे हुए हैं ये छोटे छोटे, इनसे जब हवा टकराती है तो इनको ठंडा करती है। ये जब पानी नीचे जाता है नालियों से तो पानी की हीट इन नालियों में आ जाती है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं इनमें आ जाती है, इनसे हीट ट्रांसफ़र होती है इन फैंस को, ये जो पत्रियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये फैन चलता है जब तो ये ठंडी होती हैं, हीट पानी की नालियों में ट्रांसफ़र होती हैं, नालियों से इन फैंस में पत्रियों में आती है, पत्रियाँ ऐसे ठंडी होती रहती हैं, इस वजह से ये पानी रेडिएटर ठंडा करता रहता है, ठीक है। तो जब ये फैन बंद हो जाए तो यहाँ से एयर क्रॉस नहीं होगी तो उस सूरत में गाड़ी गर्म होगी। अगर ये पानी वाला पाइप किसी जगह से डैमेज हो गया तो इस वजह से भी गाड़ी गर्म होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही कि आपको बताया है कि रेडिएटर किस मकसद के लिए गाड़ी में लगाया जाता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके मकसद क्या हैं। तो एक बात और आपको बताता चलूँ कि रेडिएटर जब चौक होता है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है, इसके अंदर जो नालियाँ होती हैं कैमरे की आँख से शायद देख सकें आप, ये देख सकते हैं अंदर, ये जो नालियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है, ये बंद हो जाती हैं रेडिएटर जब चौक होता है, तो ये बंद हो जाती हैं नालियाँ, तो पानी इनमें सर्कुलेशन नहीं करता, सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है।
तो जब सर्कुलेट नहीं करेगा, नालियाँ जहाँ से चौक हो जाएंगी किसी भी जगह से, तो पानी ऊपर वाले टैंक में रुका रहेगा, तो कुछ नालियाँ काम करेंगी जिस बना पे पानी मुकम्मल ठंडा नहीं होगा एयर से, ठीक है। तो इस वजह से गाड़ी हीट अप होती है जब रेडिएटर चौक हो जाए। तो इसको वाश करने का ये मकसद होता है कि जब गाड़ी गर्म हो तो रेडिएटर हम साफ़ करवाते हैं, तो वो मकसद ये होता है कि नालियाँ जो होती हैं ये वाली ये बंद हो जाती हैं, इनसे पानी सर्कुलेशन नहीं करता जिस वजह से गाड़ी गर्म होती है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में काफ़ी कुछ जान गए होंगे रेडिएटर के मतलब। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अब्दुल रशीद की तरफ से अल्लाह हाफिज़।